तो फाइनली हम लोग मुंबई के अंदर आ गए हैं। इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल हमने पार कर लिया था पिछले ब्लॉक के अंदर। बाय बाय गाइस, बाय बाय, मिलते हैं बाद में। जी जी बिल्कुल। तो यार एड्रेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। चलो यार फाइनली अपनी बस आ गई इंटरसिटी। तो फाइनली यार इस बस के अंदर आ गए हैं। आई होप इसके अंदर वाईफाई वाईफाई भी हो, क्योंकि स्मार्ट बस तो इन्होंने लिखा हुआ था। तो यार मुंबई को महानगरी ऐसे नहीं बोलते हम लोग, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। स्वागत है दोस्तों आपके लोगों का एक और नए कमाल के फ्रेश ब्लॉग के अंदर। तो फाइनली हम लोग मुंबई के अंदर आ गए हैं। इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल हमने पार कर लिया था पिछले ब्लॉग के अंदर। अब बारी है मुंबई से इंदौर जाने की, और हमने बुक कर ली है अपने लिए बस। फ्लाइट सुबह थी, नहीं मिल पा रही थी और एक ही सीट खाली थी, तो अब उसमें तो जा नहीं सकते थे क्योंकि हम लोग यहाँ पर चार पांच लोग हैं। तो हमने यहाँ पे बुक करी है बस और अब हम जा रहे हैं बस से मुंबई से इंदौर। तो एंजॉय करिए आप भी इस ब्लॉग को, फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिल्कुल भी आपसे ब्लॉग मिस आउट पे ना हो पाए। चलो भाई बाय बाय, चलो भाई बाय, चलो फटाफट हम लोग इसमें रखते हैं। चलो देख के करता हूँ, जो भी जुगाड़ो। हाँ श्योर 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 बिल्कुल भाई, चलो आओ सर, ऐसा ना हो कभी सब लोग बिल्कुल आएंगे भाई, बिल्कुल ठीक है बाय। तो यार हम लोगों को ये वाली टैक्सी मिल गई है, अब इसमें सारा सामान भर लिया और फटाफट निकलते हैं हम लोग अपनी बस को पकड़ने के लिए। चलो भाई लोगो, बाय बाय गाइस, बाय बाय, मिलते हैं बाद में। जी जी बिल्कुल। तो एड्रेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, आगे पीछे हो गया सारी चीजें, निकलते हैं यार फिर अब वापस से इसको। तो यार मुंबई को महानगरी ऐसे नहीं बोलते हम लोग, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आ गए One hour later. तो यार मेन्यू तो हम लोगों का लफड़ा हो गया क्योंकि हम लोग टैक्सी से आगे आ गए, जिस पॉइंट पे उतरना था वहाँ पे तो उतर नहीं पाए। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा सुकून है क्योंकि हम लोगों ने बात करी और वो इसी रूट के ऊपर हम लोगों को बस लेने आ रही है। तो वेट करते हैं कि कैसी बस आती है, हम उसके अंदर बैठते हैं एंड होप सो कि हम लोग अच्छे से यहाँ पे घर पहुँच जाए। बस बस का वेट है, वो कर रहे हैं। अभी सामान वामान हमारा सारा यहीं पे पड़ा हुआ है और अभी हम लोग फुटपाथ पे ही सारी चीज़ों का वेट कर रहे हैं। तो यार बेसिकली मैं जा रहा हूँ इंटरसिटी बस से, बस का मेरा पहला ट्रैवल होने वाला है और इस वाले पूरी जर्नी में मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल्स करके बताए हैं। तो पहले हम लोग फ्लाइट से गए, फिर हम क्रूज से गए और अब हम लोग बस से जाने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिला है, तो देखते हैं कि कैसा रहने वाला एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भी आज तक बस में ट्रैवल नहीं किया खासतौर पर ऐसे स्लीपर बस के अंदर। तो वेट कर रहा हूँ बस का, फटाफट आ जाए फिर आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर से बस कैसी होती है और हमारी जर्नी यहाँ पे कैसी रहने वाली है। Few moments later. चलो यार फाइनली अपनी बस आ गई इंटरसिटी। चलो यार ये अब अपने बैग्स को अंदर रख देगा यहाँ से, तो चलो यार भाई अब अपना फाइनली 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 बस मिल गई और अब हम चल रहे हैं इंटरसिटी स्मार्ट बस के अंदर और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो ये है भैया अपने पास इंटरसिटी बस, जहाँ का इंटरव्यू आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये है इसका डबल बेड वाला सेक्शन, हालांकि इसमें यहाँ पर एक चार्जर है, पंखे दिए हैं हवा के लिए और इसके अलावा तो कुछ नहीं, बस ब्लैंकेट है। मेरी जो सीट है वो है सिंगल पीस वाली, जहाँ पर मुझे वो यही हवा के लिए मिल रहा है, सॉकेट मिल रहा है एक चार्ज करने के लिए और इसके साथ सामने एक पंखा और कुछ पानी की बॉटल मिल रही है। तो फाइनली यार अब इस बस के अंदर आ गए हैं। आई होप इसके अंदर वाईफाई वाईफाई भी हो, क्योंकि स्मार्ट बस तो इन्होंने लिखा हुआ था। तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ, अगर होगा तो आपको भी मैं बताता हूँ। तो यार इस बस के भैया यहाँ पे आए हुए थे और उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे वाईफाई तो है बट वो सिर्फ अवेलेबल है GPS और कैमरे के लिए, तो वो हम लोगों को एक्सेस नहीं होगा। तो चलो कोई बात नहीं, अपने इंटरनेट है उसको यूज कर लेंगे। Later that same evening. So finally जो हमारी बस है उसका फर्स्ट स्टॉपेज यहाँ पे आ गया है और लगभग 12:30 के आसपास बजी है अभी, जहाँ पे कि जो हमारी इंटरसिटी बस है उसने स्टॉपेज लिया है, जहाँ पे कि हम लोग खाना खा रहे हैं इस वाले होटल में, होटल फूड कसी, जो कि एक प्योर वेज एंड जैन फूड है यहाँ पर। तो ये बेसिकली इसका पूरा इंटीरियर है, हालाँकि हाँ मैंने अभी खाना वाना खा लिया है अंदर, खाना बहुत टेस्टी रहा यार, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज़्यादा टेस्टी था। हमारा बिल कुछ 435 रुपीज़ के आसपास आया था, हमने एक सब्जी, 3 रोटी और एक नान यहाँ पे बेसिकली ऑर्डर किया था। तो ये एक स्टॉपेज है, तो अगर आप इस बस में चढ़ते हैं मुंबई से इंदौर जाने के लिए तो हाँ ये एक ऑप्शन आपके पास होगा, जहाँ पे कि आप अपना फूड यहाँ पे खा सकते हैं एंड 20 से 30 मिनट का एक ब्रेक है, तो एक सफिशेंट ब्रेक है जहाँ पे कि आपको खाना मिल जाएगा एंड बहुत ज़्यादा फास्ट सर्व भी इन्होंने यहाँ पे कर दिया था।
the next day. So good morning guys, अगला दिन स्टार्ट हो चुका है. अब हम लोग फिलहाल में भी आए हुए हैं द राजहंस होटल में, जहाँ पे कि आप देख सकते हो सभी लोग ऑलमोस्ट अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और हम लोगों ने भी चाय वाय यहाँ पे कुछ ली है. 10 मिनट का हॉल्ट है बेसिकली. तो जब हम लोग रात को एक हॉल्ट लिया था खाना खाने के लिए, उसके बाद से सेकेंड जो हॉल्ट हमें मिला है वो यहाँ पे मिला है. उसके पहले भी मिला होगा पर हम सो गए थे. तो हमारी बस खड़ी हुई है पीछे की तरफ एंड थोड़ा खटर ज़्यादा कर रही है बस, तो कह नहीं सकते कि मतलब कैसा क्या उसका रहता है. लेकिन हाँ यार, नींद अच्छी भी आ रही है और थोड़ा थोड़ा बीच में टूट भी रही है. तो अब बस यहाँ से 130 किलोमीटर के आसपास का रास्ता बचा है इंदौर का, तो 2-2.5 घंटे के आसपास और लगने वाला है. तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे. तो अभी आप इंजॉय करिए इस पूरी ट्रिप को. बाकी ये छोटे छोटे स्टॉपेज मिलते रहते हैं, तो आपको वॉशरूम जाना हो, कुछ खाना पीना हो, तो ऐसी जगह पे आप आराम से आके खा भी सकते हैं. तो चलिए बस अब निकलते हैं अपनी बस में और चलते हैं इंदौर, ताकि हम लोग पहुंच सकें अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी. तो यार ये है मेरा कैबिन, जिसमें मैंने रात को पर्दे तो लगा लिए थे. कंबल मिला है हम लोगों को सोने के लिए यहाँ पर. सामने मैंने अपने बैग्स रख दिए और यहाँ पर एक छोटी सी खिड़की है, क्योंकि मुझे मिला है नीचे का फ्लोर, तो यहाँ पर ये रहने वाला है. एंड इसके बाद बात की बात करें तो सभी लोगों के लॉबीज हैं यहाँ पर, तो इसी तरीके के पर्दे और सारी चीज़ें भी वहाँ पर लगी हुई हैं. तो अगर आप आते हो तो इसी तरह का एक छोटा सा कैबिन मिलता है, जहाँ पे कि आप बैठ सकते हो, मतलब सो सकते हो, और इसी कैबिन में आपको लिटिल अपना ट्रैवल यहाँ पर कम्प्लीट करना है. तो लो यार, फाइनली हमारा जो सफ़र है वो यहाँ पर ख़त्म होता है. हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे. अब बस हम लोगों को अपना सामान लेना है और जाना है घर के लिए. तो मैं इस ब्लॉग को इतना ही रखता हूँ. आपको एक पूरी सीरीज ऑफ ब्लॉग पसंद आया होगा, तो थैंक यू वेरी मच. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं मिलता हूं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर. तब तक लाइफ अ ग्रेट डे एंड बाय बाय.